सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे जयपुर में भाजपा मुख्यालय की, जहां पर आज एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई और उसके बाद भाजपा प्रभारी राधामोहन अग्रवाल मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। चुनाव खत्म होता है जब अधिसूचना जारी होती है, और जब तक चुनाव आयोग अधिसूचना जारी न करते तब तक चुनाव आयोग आचार संहिता लगी रहती है। प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहता है। जो कुछ हुआ है वो चुनाव के दौरान ही हुआ भी है, तो मैं ऐसी परिस्थितियों में यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग को देता हूँ, और जो डीजीपी हैं और मुख्य सचिव हैं जो आचार संहिता लगने के दौरान चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं उनको देता हूँ। हम इस घटना का मूल्यांकन जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद करेंगे, अभी हम चुनाव आयोग के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक कि अधिसूचना हट न जाए। भाईसभा सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक में जो टारगेट था उससे दूर है, बढ़ गया, किस तरीके की समीक्षा? नहीं, दूर दूर नहीं है, बहुत से कारण थे। हरियाणा का चुनाव चल रहा था, अभी भी महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, साथ साथ उपचुनाव होने थे, तो हमारे बहुत से लोग पर बिजी थे, और इन 7 जगहों पर भी आपने देखा होगा हमने बहुत संगठित प्रयास किया है। पूरे राजस्थान से हमने अपने वरिष्ठ लोगों को चुनाव प्रचार में लगाया हुआ था। सफलता सदस्यता हमारी बहुत अच्छी हुई है और हम इसे और भी अच्छी करने जा रहे हैं। आगामी 15 दिनों के अंदर हम बहुत अच्छी सदस्यता कर लेंगे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नरेश मेरा किसने खड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए, बीजेपी भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी। मुझे दुख है कि अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पता होना चाहिए कि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, और हम आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जानते होंगे कौन सही है या कौन गलत है, हम आचार संहिता हटने का इंतजार करेंगे। ठीक है।